रोटेटर कफ टीयर की जो दूरबीन से सर्जरी होती है दोस्तों, आखिर वो महंगी क्यों होती है? कुछ हॉस्पिटल्स में सर्जरी सस्ती होती है, कहीं पे आपको मालूम पड़ता है कि सर्जरी का जो कॉस्ट है वो कम आ रहा है, और कहीं कहीं कॉस्ट बहुत ही ड्रास्टिकली ज़्यादा महंगा होता है। आखिर क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? तो दोस्तों, सर्जरी की कॉस्ट डिपेंड करती है आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। दूसरा फैक्टर है कि आखिर कौन सा इम्प्लांट लग रहा है आपके कंधे में। रोटेटर कफ सर्जरी अगर जब मैं सिंगल रो रिपेयर करते हैं, सिंगल रो रिपेयर के अंदर दोस्तों कुछ सूचर एंकर्स लगते हैं जिसमें धागे निकले होते हैं, धागे से आप टॉर्न रोटेटर कफ को बांध देते हो, इस तरह से सिंगल रो रिपेयर कंप्लीट होता है। इसमें एक या दो एंकर्स लगते हैं, इसके अलावा और कोई इम्प्लांट नहीं लगता। इम्प्लांट जो एंकर्स होते हैं उसमें धागे होते हैं जिससे आप गांठ बांध देते हो। सो इसमें कॉस्ट आपको कम आती है, क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही एंकर लगे। वहीं अगर हम रोटेटर कफ रिपेयर करते हैं डबल रो टेक्निक से, मतलब मीडियल रो में भी एंकर लगे, लेटरल रो में भी एंकर लगे, सो इसके अंदर दोस्तों फिक्सेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिक्सेशन स्ट्रांग इसलिए होता है, जैसे कि ये हमारा रोटेटर कफ है और यहाँ पे उसको चिपकना है, तो सिंगल रो रिपेयर में हम हल्के से दो एंकर यहाँ डालेंगे और रोटेटर कफ को यहाँ ला के चिपका देंगे, यहाँ गांठ बांध देंगे, तो जो बोन टू टेंडन कॉन्टैक्ट है वो छोटा है, इतना से ही चिपका है, तो इसके वापस फटने के, रीटियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से जब सिंगल रो रिपेयर किया था तो वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि सिर्फ दो ही एंकर लगे हैं, पर क्योंकि फिक्सेशन इतना अच्छा नहीं है तो आपका कंधा डेढ़ महीने तक बांध दिया जाता है, उसको हिलाया नहीं जाता, उस वजह से आपके कंधे में फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है इस डेढ़ महीने में जब आप हिला नहीं रहे उसको बिल्कुल। तो डेढ़ महीने के बाद जब हिलाया जाता है, एक्सरसाइज कराया जाता है, धीरे 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 फ्रोजन शोल्डर खुलता है। बैक टू नॉर्मल आने में 4 से 5 या 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि पहले आपको अपना कंधा खोलना है, फिर स्ट्रेंथनिंग चालू करनी है। इसमें भी क्योंकि ये छोटा सा ही चिपका है, बोन टू टेंडन कॉन्टेक्ट कम है, ये फटने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर हम डबल रो रिपेयर कर रहे हैं रोटेटर कफ का, तो दोस्तों डबल रो रिपेयर में दो मीडियल रो एंकर डलते हैं, टेंडन को आप यहां तक लाते हो, मीडियल रो एंकर से जो टेप या फिर वायर्स निकल रहे हैं उसको आप ले जाके लेटरल रो एंकर से द्वारा अंदर डाल दो बोन के अंदर, तो इस तरह से स्टेपलर जैसा कंस्ट्रक्ट बनता है, जो इसमें बोन टू टेंडन कॉन्टेक्ट ज्यादा है। आपका जो रोटेटर कफ है वो बहुत बड़ा फुटप्रिंट से बोन से चिपका है, ये है डबल रो रिपेयर। सो डबल रो रिपेयर ज्यादा स्ट्रांग रहता है दोस्तों, ये फटने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए इस सर्जरी के बाद आपका हाथ डेढ़ महीने तक ऐसे बांधा नहीं जाता, कम दिनों के लिए बांधा जाता है। दूसरा, एवरी डे वो आपको अपना शोल्डर मोबाइल हटाना है और अपने कंधे को पैसिवली मूवमेंट कराना, ना कि एक्टिवली, ताकि आपको फ्रोजन शोल्डर डेवलप नहीं हो। तो डबल रो रिपेयर के अंदर दोस्तों फ्रोजन शोल्डर डेवलप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हम बहुत जल्दी चालू कराते हैं। दूसरा, एक बार वो चिपक गया तो उसमें रीटियर होने के भी चांसेस कम, तो फेलियर के चांसेस कम है। डबल रो रिपेयर के अंदर भी एडवांसमेंट आ गए कि आजकल टेप्स का यूज होता है, आजकल हम रोटेटर कफ में टेप का यूज करते हैं ना कि वायर का यूज करते हैं, तो टेप नॉन ट्रोमेटिक रहती है, आपके रोटेटर कफ को काटती नहीं है। तो डबल रो रिपेयर विद टेप विद नॉटलेस टेक्निक, मतलब गांठ नहीं बांधनी, ये सबसे एडवांस टेक्निक है जिसमें बहुत जल्दी ठीक होते हो, फेलियर के चांसेस कम है, और ये दूरबीन से होती है, बहुत कम छेद होते हैं कंधे में और ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सर्जरी के बारे में, या आपके हमारे में रोटेटर कफ स्ट्रेन टीयर लिखा हुआ है, तो आप हमें अपनी हमारी व्हाट्सएप कीजिए, मैं डिटेल में इसके बताऊंगा सबसे अच्छा टेक्निक क्या है उसको ठीक करने का। हम रखें आपका ख्याल। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी